नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कार्डिगन के लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाए हैं, जिसे बनाने के लिए 12 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें चार डिज़ाइन है। देखिए 1 2 3 4, तो इसमें 48 + 1 49 फंदे पड़े हैं। तो ऐसे ही आप फंदे डालेंगे। तो चलिए डिज़ाइन बनाते हैं। चार फंदा सीधा बुन लें, 1 2 3 4, फिर दो फंदा एक साथ लें और एक सीधा फंदा बना लें। पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे। पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए, यहाँ उन अपनी ओर है यानी हमको जाली डालना है, जाली डालते हुए बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर सात फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। सात फंदा सीधा बुनने के बाद फिर दो फंदा को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली डालते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे जाली डालते हुए। फिर सात फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली डालते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और रॉन्ग साइड से, बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर सात फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर दो फंदा एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली डालते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बनाएंगे, और लास्ट के चार फंदे सीधे। शुरुआत में भी हमने चार फंदा सीधा बुना था, तब डिज़ाइन डालना शुरू किया था, और लास्ट में भी चार फंदा सीधा आया है और बैक साइड से सभी फंदे उल्टे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, अब की तीन फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे और उन अपनी ओर करेंगे और जाली डालते हुए तीन सीधा फंदा बनाएंगे, 1 2 3, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे, पहला और दूसरा, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक साइड से एक सीधा फंदा बनाएंगे। पिछली बार हमने सात फंदा लिया था, अब की यहाँ पे हम पांच फंदा ही सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। देखिए यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे फंदे घट रहे हैं। अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली डालते हुए तीन सीधा फंदा बनाएंगे, 1 2 3, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब यहाँ पे पाँच फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे और जाली डालते हुए तीन सीधा फंदा बनाएंगे, 1 2 3। ये डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर पांच फंदे सीधे, 2 3 4 5, फिर देखिए यहाँ पे जाली बना है तो दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब यहाँ जाली पड़ा है तो यहाँ पे हमें एक जाली डालना होगा, तो उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को
जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा, लास्ट के तीन फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा एक साथ लेंगे और दोनों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे देखिए दो जाली बन गया है, फिर ये तीसरी जाली और फिर बीच में पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में दो फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड एक फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सात फंदे सीधे बना देंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ देंगे, पहले पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे सात फंदा था, अब घट के सिर्फ एक फंदा रह गया है और यहाँ पर देखिए एक फंदा था, जाली बनने से दोनों ओर दो दो फंदे बढ़ते गए हैं और अब यहाँ पर सात फंदा हो गया है। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सात फंदे सीधे बना लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला दो फंदा एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सात फंदा सीधा बनाएंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। आठ लाइन का ये डिज़ाइन है और यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट होता है। नवे लाइन से फिर डिज़ाइन पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे और देखिए ये यहाँ ऊन अपनी ओर करेंगे और एक जाली देते हुए सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। डिज़ाइन इसी के ऊपर बनता चला जाएगा। फिर सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और पीछे बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
लास्ट में चार फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, फिर डिज़ाइन यहाँ बनना शुरू हो गया है। तो इन्हीं आठों लाइनों को हमें दोहराते जाना है। डिज़ाइन एक के ऊपर एक ऐसे बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। आप चाहें तो इसे पूरी स्वेटर में बना सकते हैं और चाहें तो सिर्फ नीचे के पोर्शन में बनाइए, ऊपर प्लेन रखिए, तभी भी ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।